हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का मेरा ये व्लॉग बड़ी होली वाले दिन का है, लेकिन जो ये रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये उसके बाद की है, तो मैंने कहा चलो मैं इसके साथ ही इसको ऐड कर देती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ उत्तपम। तो इसको उत्तपम भी बोल सकते हैं, चीला भी बोल सकते हैं। मैं इसलिए बोल रही हूँ ये क्योंकि जो उत्तपम बनता है उसमें दही का यूज़ होता है सूजी के साथ, लेकिन मेरा कोई भी ऐसा प्लान नहीं था कि मैं मॉर्निंग में उत्तपम बनाऊँगी। तो जब मैं सोचती हूँ कि मुझे मॉर्निंग में ये बनाना है या लंच में ये बनाना है, तो पहले से कुछ कुछ चीज़ें हम पहले से रख के रखते हैं कि आज मुझे ये रेसिपी बनानी है। तो इसका अचानक से मुझे सूजी दिखी तो मैंने कहा चलो चीला तो क्या बोले उसको उत्तपम टाइप का बनाते हैं, लेकिन विदाउट कर्ड के मैं ये बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने सूजी ली है और इसमें मैंने पानी डाल दिया है, थोड़ा सा नमक ऐड करा है और इसको अभी मैं भिगाने के लिए मतलब इसको रख दूंगी। इसको कितने 15-20 मिनट के लिए मैंने इसको रखा है। तब तक जो भी वेजिटेबल्स हैं वो मैं कट कर लूँगी। और वेजिटेबल्स के नाम पर क्या था, प्याज, टमाटर, गाजर और यही था, क्योंकि मैंने पहले जैसे सबको बताया कि मैंने पहले से प्लान नहीं करा हुआ था कि बनाऊँगी, नहीं तो मैं फिर शिमला मिर्च भी इसमें ऐड करती। तो वहाँ पे मैंने सब्जियाँ जो भी हैं ये कट कर दी हैं। और यहाँ पर अभी जो सूजी का बैटर है ये थोड़ा सा थिक हो गया था, तो इसको ठीक करने के लिए थोड़ा सा पानी और ऐड करा है मैंने। तो इसको ना बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं करना है गाढ़ा गाढ़ा सा, तो फिर वो अच्छे बनेंगे नहीं। तो थोड़ा जितना मुझे चाहिए उतना पानी मैंने ऐड कर दिया है। और यहाँ पर मैंने ये टमाटर, प्याज, गाजर और हरी मिर्चें है और धनिया है वो मैंने कट करके पहले ही रख दिया था। तो बस यहाँ पर मैंने तवा लिया है, उस पर मैंने हल्का सा ऑयल लगा दिया है। और ये वाला तवा ना हमारा इतना अच्छा है ना कि मतलब मैं एक तो इसको ट्राई भी करना चाह रही थी कि इसमें डोसा बनेगा कि नहीं बनेगा, तो इसमें डोसा ज़रूर बनेगा क्योंकि ये जो मैंने उत्तपम बनाया ना बिल्कुल भी नहीं चिपके हैं इसमें, बिल्कुल भी नहीं। मुझे लग रहा था ना सूजी, क्योंकि आपको पता है सूजी बहुत ज़्यादा चिपकती है अगर हम इसे बिना आटा मिलाए इसको बनाएँ तो, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं चिपका है। तो इसमें मैं ना कभी ट्राई करूँगी डोसा, तो आप वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो बस मैंने इसमें अभी जो बैटर था इसको फैला दिया है और इसके ऊपर प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, गाजर और काली मिर्च मैंने इसमें ऐड करी है। और इसको मतलब हाई फ्लेम पे नहीं, मीडियम फ्लेम पे इसको हल्का सा पकने देंगे सूजी को, मतलब शायद 2 मिनट काफ़ी हैं इसके लिए। और इसको फिर पलट देंगे हम लोग। तो ये बहुत अच्छा, देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना, खाने में भी अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा नहीं। क्योंकि देखो ये पूरी जो बिल्कुल बनता है जैसे उत्तपम, ये बिल्कुल वैसी रेसिपी नहीं है, ये सिर्फ मैं अपने स्टाइल में बना रही हूँ क्योंकि दही थी नहीं, तो फिर और ना मैंने चटनी बनाई, मैंने इसको सॉस के साथ खाया तो ठीक ही था, मतलब बहुत बेकार भी नहीं था और मेरा मतलब लेकिन अच्छा बनाया था, नाश्ते के लिए अच्छा है ये। तो बस इसको अब मैं पलट दूंगी और इस पलटने के बाद भी इसको 1 मिनट से ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सूजी अभी पक चुकी थी अच्छे से। तो बस यहाँ पर पहला जो उत्तपम है वो बन गया है, इसके बाद दूसरा बनाऊंगी, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कैसा बना है।
अभी आ गया है होली का दिन और ये है मॉर्निंग का टाइम, तो यहाँ पर मैंने चिप्स वगैरह जो थे वो तल दिए हैं और देखो कितने सारे चिप्स तले हैं परात भर कर। और अब मैं इनको लगाऊंगी, मतलब रखूंगी बर्तन में, क्योंकि अभी वैसे इतना लोग तो आए नहीं है और इस बार इतने लोग आए, मतलब जितने आते थे ना उतने लोग आए भी नहीं है, बहुत कम लोग आए हैं। सिर्फ पापा के जैसे जो यहाँ के फ्रेंड्स वगैरह हैं, अंकल लोग हैं, वो आए थे, और मतलब जो हमारे हर साल आते ही हैं वो आए थे, बाकी जो मतलब वैसे आते थे ना इतना लोग, क्योंकि कोरोना की वजह से भी, और अब होली का लोग पता नहीं इतना क्रेज़ भी नहीं रह गया है, तो बस हमें तो लेकिन रखना है सामान, सभी रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने गुजिया, नमकीन, चिप्स और क्या रखा है, ग्रेप्स रखे हैं। तो जो संतरे थे वो हमें मिले नहीं और वो बहुत ख़राब थे, तो फिर हम लेकर नहीं आए उसको, तो बस ये सारा सामान हम रख रहे हैं। और मम्मी ने भी पूजा कर ली है, क्योंकि अब लड्डू गोपाल जी को भी मम्मी वो होली का रंग लगाती हैं, तो मम्मी पहले पूजा वगैरह करती हैं, उसके बाद हम लोग होली जो है वो खेलते हैं या कलर लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आशी और सिया, उनकी फ्रेंड्स देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं। तो ये जा रखे हैं निसर्गा और के घर में, मतलब जो आशर की फ्रेंड आती है ना उनके घर पे गए हुए हैं। तो इन्होंने यहाँ पे स्विमिंग पूल बना रखा था बच्चों का, और ये तो छोटा है, इसके बाद इन्होंने इतना बड़ा बना रखा था, उसमें तो इन्होंने बहुत इंजॉय करा है। तो वैसे और मैं आपको बताऊँ, फर्स्ट टाइम ऐसा है कि आशी और सिया मतलब होली तो खेल रही हैं, खेलते ही हैं, लेकिन पानी में वो फर्स्ट टाइम भीग रहे हैं होली के दिन। मैं इनको कभी भी पानी में भिगने नहीं देती हूँ, क्योंकि आशी का थोड़ा सा एलर्जी का प्रॉब्लम रहता है इसलिए, लेकिन आज उसने बहुत जिद करी, मम्मी प्लीज़। और फिर होता भी है बच्चों के साथ, तो इन्होंने इतना एंजॉय करा है, इतना इनको देख के मुझे भी बहुत मतलब मजा आ रहा था देखने में ना। तो ये बहुत ही 2 बजे के टाइम घर आए हैं, 1:30-2 बजे के टाइम तब ये लोग नहाए हैं।
अच्छा छत में नहीं बाप रे। हाँ क्या हो गया, क्या हो गया? अच्छा चलो 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 सिट डाउन, पहले